स्टूडेंट, टुडे वी विल डू मल्टीप्लिकेशन सम्स। ठीक है, पहले हमने किए हुए हैं, आज हम कैरी वाले करेंगे। ये कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन। सबसे पहले आपको साइन क्लियर होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। मैं ये आपको पहले 16 सम्स करा चुकी हूँ, अब आगे हम करेंगे। ठीक है, 425 को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 425 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। मीन्स क्या करना है, यहाँ पे 2 का टेबल हमें 5 तक काउंट करना है। 2 5 ज़ा क्या होता है? 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10। 2 का टेबल 5 तक देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो क्या हो गया ये 2 5 ज़ा 10। सबसे पहले आपका जो आंसर आता है वो आप यहाँ लिखा करो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब इसके ऊपर लिखो ये कौन सी डिजिट है, 1 डिजिट, और ये कौन सी डिजिट है, 10 डिजिट। ये 1 डिजिट है तो ये कहाँ जाएगी, 1 यहाँ पे। 10 डिजिट कहाँ चली जाएगी, कैरी में। कहाँ चल जाएगी, कैरी में। ठीक है, 2 2 ज़ा 2 का टेबल 2 तक मल्टीप्लाई करना है। 2 का टेबल 2 तक, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 आया, ओनली 5। इसमें हमारे पास 2 डिजिट नहीं थे, मतलब हम इसको कैरी नहीं दे सकते, सिर्फ 5 था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओनली 5। ठीक है, 2 को अब मल्टीप्लाई करना है 4 से। 2 4 ज़ा 2 का टेबल 4 तक काउंट करो, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, पहले 2 5 ज़ा 10, 10 यहाँ लिखा, यहाँ पे 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है। 1 डिजिट कहाँ चली गई, यहाँ पे 10 डिजिट कहाँ चली गई, कैरी पे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, और 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। मतलब पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई, और फिर इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकेंड वन इस देखो, 325 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 325 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ा क्या होता है, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ये 1 डिजिट है और ये 10 डिजिट है। 1 डिजिट क्या है, 5, यहाँ पे लिखोगे 10 डिजिट क्या है, 1, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, कैरी। ठीक है, ये 1 कहाँ चला गया, कैरी। 3 का टेबल आपने पहले 3 5 ज़ा 15 किया, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7। ठीक है, देखो यहाँ से ओनली 1 डिजिट आई है, तो मैंने यहाँ पे ही लिख दी। अगर ये 2 डिजिट आते, जैसे यहाँ 15 आया, अगर यहाँ 17 होता, तो ये 1 कहाँ चला जाता है, इसका कैरी कहाँ चला जाता है, यहाँ पे कैरी। ठीक है, 3 3 ज़ा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9। देखो ध्यान से देखना, पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट वन इज 325 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 का टेबल आपको 5 तक काउंट करना है। 3 5 ज़ा, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। 3 5 ज़ा क्या है, 15। 5 क्या है, 1 डिजिट, और 1 क्या है, 10 डिजिट। देखो यहाँ पे 2 डिजिट थी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 5 यहाँ रह जाएगा 1 डिजिट में, और 10 डिजिट का कहाँ चला जाएगा, कैरी। 3 का टेबल 2 तक काउंट करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7। देखो मैं आपको दोबारा यहाँ लिख कर दिखाती हूँ, यहाँ पे आया 7, मतलब ये 1 डिजिट है। मैं आगे 100 को कुछ भी कैरी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास ओनली 1 डिजिट है, 10 की ही डिजिट है, तो यहाँ 7 एज इट इज़ लिख दो। अब 3 का टेबल 2 तक काउंट करो, हमें नीचे वाले डिजिट का, नीचे वाले नंबर का टेबल काउंट करना होता है, जितना हमें ऊपर नंबर दिया। 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करोगे, 2 तक, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आपका आंसर हो गया। 225 अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 675 ही आंसर आएगा। अब फोर्थ वन इज 325 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 325 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 के टेबल, 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करोगे, 5 तक। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, ये 1 डिजिट हो गई, और ये 10 डिजिट। 1 डिजिट क्या है, 5, और 10 डिजिट क्या है, 1। ठीक है, अब देखो 3 2 ज़ा 3 का टेबल 2 तक, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1, इस कैरी को मुझे ऐड करना होता है। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7। ठीक है, आगे 3 का टेबल 3 तक, देखो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ सिंगल डिजिट आई थी, ओनली 1 7, तो मैंने 100 को कोई भी कैरी नहीं दिया। 3 का टेबल 3 तक काउंट करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9,
तो क्या होगा, 3 3 9, 325 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 975। इसी तरह से आपको ओनली 4 सम ही अपनी बुक में करने हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।